उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पंखे से लटककर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। वहीं मृतक के पति का कहना है कि कुछ दिन पहले महिला का कुछ लड़कों से झगड़ा हुआ था। इसके अलावा मृतिका के भाई ने अपनी बहन की हत्या की आशंका जताई। ये जो है क्या कहते हैं, ये औरत जो थी ये बच्चों को भी ले गई उठा के, और हमारी बहन का गला घोटा गया है, लूट भी हुई है। क्या क्या था आपकी बहन के पास जो लूट हुआ? पूरे तो कानों में सोना था और नगद पैसा था दोनों कानों में, और पूरी गली बता देगी इसको कि पूरे कानों में सोना पहने करती ही नहीं पहने करती। किस समय का घटना है ये? ये लगभग 10 के बाद में और 12 से पहले। एक लड़के का फोन आया, जैसे आपकी बहू को मार दिया, बच्चे रोते बगाते पड़ोसन में फोन करा पीछे वाली में, इतने में आया तो घर बच्चे रो रहा था। क्या देखा आपने आकर? घर देखा तो सब घर में लुटा पड़ा, घर में ऊपर बहू मरी पड़ी। अच्छा, क्या लगता है आपको क्या हुआ? क्या लगता है आपको, कोई दुश्मनी थी आपकी किसी से? मैं दे दुश्मनी आपकी। थाना मजोरा के अंतर्गत जयंतपुर चौकी क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई कि महिला को लटका कर मारा गया और उसके बच्चे का अपहरण कर लिया गया। मौके पर हम लोग गए थे, अपहरण की बात पूर्णतया सत्य थी, लड़की मौके पर ही मौजूद थी। साथ ही मर्डर की बात है तो उस बच्ची ने बताया है कि इन लोगों ने देखा है कि वो महिला जो है फंदे से लटकी हुई थी, इन्हीं लोगों ने धक्का देकर दरवाज़ा खोला है, साथ ही अंदर से चिटनी हुई जो दरवाज़ा है उस पर धक्का मारने के निशान मौजूद है। हम पुलिस आवश्यक विधि कार्रवाई कर रही है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और इसके पति की तहरीर के आधार पर जो भी आवश्यक विधि कार्रवाई होगी वो हम करेंगे।